टीवी सीरियल्स के मशहूर कलाकार सुरेंद्र पाल सिंह तथा राजू श्रेष्ठ पंजाब के लुधियाना पहुंचे, जिन्होंने 1988 में प्रसारित हुए दूरदर्शन का पहला धार्मिक महाभारत सीरियल में बाखूबी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, लुधियाना आने का मतलब कोई काम नहीं था, बल्कि एस्ट्रोलॉजर गुरदीप अरोड़ा, जो कि उनके दोस्त हैं, उनके अनुरोध पे आने का अवसर मिला। उन्होंने लुधियाना वासियों से मिलकर खुशी जाहिर की और साथ ही मीडिया से बात करते हुए अपने अनुभव भी साझे किए। यहाँ तो हम आए हैं प्रोफेसर साहब के लिए, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। काफी बार जब मैं यहाँ पे शूटिंग के लिए भी आता था पंजाब, कई बार बात भी होती थी, लेकिन आऊंगा कभी ये बिजी रहते थे, कभी मैं बिजी रहता था, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो इस बार मैंने सुरेंद्र जी ने हमने सोचा कि इस बार खास सिर्फ प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए एक बार प्रोग्राम बनाते हैं और लुधियाना आते हैं, तो सिर्फ इनसे मिलने आए हैं। कोई शूटिंग, कोई प्रोग्राम, कोई शो नहीं है, सिर्फ इनसे मिलने आए। अपनी लाइफ बारे बताओ, कैसे? मेरी लाइफ के बारे में बताऊंगा तो बहुत दिन लग जाएंगे, थोड़ा क्योंकि मेरा एक्टिंग का करियर ही 40 साल का रहा है, और इस 40 साल के करियर में मैंने 250 फिल्में की हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है मुझे, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है मुझे, जीवन ज्योति अवार्ड मिला है मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। उसके बाद मैंने बहुत सारी सीरियल्स की हैं। नारद के रोल में मैं बहुत मशहूर हुआ था, तो सिर्फ नारद के मेरे 3000 से ज्यादा एपिसोड रहे हैं। पंजाब में मेरा एक बहुत हिट सीरियल था बानी इश्क दा कलमा, वो काफी लोगों ने देखा है, नॉर्थ इंडिया में वो था। अभी दूरदर्शन पर मेरा एक सीरियल चल रहा है कलेक्टर बम, वो आफ्टरनून ट्रांसमिशन में है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। उसके अलावा मेरे क्राइम पेट्रोल या CID और ये सारी सीरियल भी मैं करता रहता हूँ एपिसोडिक। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि बहुत दिनों से वेट कर रहा था, ये बोल रहे थे आएंगे लेकिन आ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। छोटे पर्दे पे कहते हैं बड़ा पर्दा, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि छोटे पर्दे पे ही इंसान कामयाब होता है, छोटे पर्दे से ही शुरुआत होती है। जब बड़े पर्दे पे आते हैं तो फिर पूरी दुनिया जानने लगती है, लेकिन आज आए हैं और जानते हैं आगे भविष्य में क्या होने वाला है, देखेंगे। तो अपने भविष्य के बारे में भी आपसे पूछना है? नहीं, भविष्य के बारे में मैं बताऊंगा जी, ये तो नहीं पूछने आए, ये तो मुझे मिलने आए। भविष्य के बारे में मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं है। तेज चैनल के लिए लुधियाना से अजय पाहवा की रिपोर्ट।